वेलकम बैक टू शिखर नेट एग्ज़ाम 2018 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। आज हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा 2016 या 17 में आया हुआ है, क्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो उसे हम देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन पहले से नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि अ क्लिक इन अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो हमारे पास ग्राफ है वो कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इज़ अ कंप्लीट सब ग्राफ, और कंप्लीट सब ग्राफ है। ओके, कंप्लीट सब ग्राफ है दैट इज़ नॉट कंटेंड इन एनी लार्जर कंप्लीट सब ग्राफ, जो कि कंटेन नहीं कर रहा है लार्जर सब ग्राफ का। हाउ मैनी क्लिक आर देयर इन द ग्राफ सोन बिलो, इस ग्राफ में कितने क्लिक जो हैं परफॉर्म होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू फोर, और सी इक्वल टू थ्री, एंड डी इक्वल टू सिक्स। तो ये सारे हमारे ऑप्शन हैं दिए हुए हैं। तो इसमें हमें बताना है कि इस फिगर में जो क्लिक परफॉर्म कर रहा है वो नंबर ऑफ क्लिक कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लिक होता क्या है। तो क्लिक जो है ये होता है कि जितने भी हमारे पास एजेज होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी और जी की अगर हम बात करें तो ए से बी कनेक्ट है, ए से जी भी कनेक्ट है, और जी से बी भी कनेक्ट है। तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये कनेक्शन ही जो है वो क्लिक होते हैं। इन कनेक्शन को ही हम काउंट करेंगे और वही हमारे नंबर्स ऑफ क्या हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब भी हमारे क्लिक हम काउंट करें तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स ऑफ एजेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो ही क्लिक परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्लिक को कि हमारे इस ग्राफ में कितने क्लिक हैं। तो सबसे पहले जो हम काउंट करेंगे वो ये देखते हैं कि ए बी सी, ए बी जी एक क्लिक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी जी एक क्लिक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ए जी एंड डी, ठीक है, ए जी एंड डी, या सीरियल से लिख लेते हैं ए डी जी। देन उसके बाद ये भी हमारा कनेक्ट हो रहा है, देखिए एक दूसरे से, डी जी से भी कनेक्ट है और डी ई से भी कनेक्ट है। सिमिलरली जी ई और डी दोनों से कनेक्ट है और ई भी जी एंड डी दोनों से कनेक्ट है, जी डी एंड जी से। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो क्लिक है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई एंड जी। तो हमारे पास तीन क्लिक अभी तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा क्लिक आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये तीनों भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो क्या हो गया, बी यहाँ पर लिख देती हूँ, बी ई एंड जी, ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे चार क्लिक हो गए। अब ये चारों को हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अगर हम ए की बात कर लें तो यहाँ पर हमारा बीच में जी आ जा रहा है, तो ये ई से कनेक्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्लिक में डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये पूरा एक क्लिक नहीं परफॉर्म करेगा, अलग अलग परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है। तो एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, तो चार क्लिक यहाँ पे हो गए। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हम पूरे को एक को नहीं ले सकते, और जो दूसरी बात है हमारा यहाँ पर भी कोई नहीं है, इसलिए हम सेम इस तरीके से नहीं ले सकते। यहाँ पर हमारे पास जी था तो इसको नहीं ले सकते। बट इसमें क्लिक कौन सा परफॉर्म कर रहा है, देखिए ये वाला, यहाँ से सी ई एंड एफ, ये क्लिक परफॉर्म कर रहा है क्योंकि सी जो है कनेक्टेड है एफ एंड ई दोनों से, ई भी कनेक्टेड है एफ एंड सी दोनों से, और एफ भी कनेक्टेड है सी और ई दोनों से। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लिक ये हो जाएगा, तो लिख लेते हैं सी ई एफ, और नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरीके से जो है वो हमारा ये क्लिक हो जाएगा, क्या, बी सी ई, क्योंकि ये तीनों भी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है बी सी एंड ई, तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो एक हमारे पास पूरा ये क्लिक हो गया है ना, ये वाला, और नेक्स्ट जो है ये जो रिमेनिंग बचा है यहाँ पे ये हो गया सी डी एंड ई, ये क्लिक हो गया। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सिक्स क्लिक हो गए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन में हमारे पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इजिली हम क्लिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लिक कितने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।